नमस्कार दोस्तों, लर्नो लाइक एक्स वाई जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय अवश्य पढ़ी होगी और उस प्रमेय को आपने प्रूव भी किया होगा, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इसका एक अलग तरीका। इस पाइथागोरस प्रमेय को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आती है, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसका दूसरा नाम होता है बोधायन प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो एक समकोण त्रिभुज में लगती है। इस जिस प्रकार से ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, फिर यहाँ पर जो नीचे वाला जो बेस होता है एक आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एंगल लेते हैं थीटा, तब थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, या फिर थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो समकोण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये प्रमेय हम अवश्य पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रमेय आई कहाँ से, ये प्रमेय कहाँ से प्रूफ होती है, इसका हम एक अलग ही तरीका देखते हैं। तो देखते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले से हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तब हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। तो हम देखेंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का। तो यहाँ से हम देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है एल बाई के। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और हमारा कोस थीटा बराबर होता है ए बाई के, अर्थात आधार बटा कर्ण। यहाँ से हम देखते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल बाई के लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ए बाई के। यहाँ से साइन थीटा आता है एल बाई के और कोस थीटा आता है हमारा ए बाई के इस फॉर्मूले से। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई के, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एंड कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई के, देन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में इसे हम मान लेते हैं लेट इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं, हमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रखेंगे एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इस समीकरण में मैं रखता हूँ, देन एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू रखूंगा ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर, एंड इक्वल्स टू 1 इक्वल 1। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, देन यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो हमारा आ जाएगा के स्क्वायर, और ऊपर जो हमारा आएगा वो आएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। दैट मीन्स कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस प्रकार से हम ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर सकते हैं। हमने इस फॉर्मूले से, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले से ये पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, प्रूफ
कर दिया। इसका मतलब है जो पाइथागोरस प्रमेय आई वो किस फॉर्मूले से आई, इससे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन यहाँ से आई। तो थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।